दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा बहुत सारी वैकेंसी यहाँ आई हुई है ट्रेनीज के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनीज एज वेल एज आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव टेक्नोलॉजी में चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पोस्टिंग भी अलग अलग प्लेस पे रह रही है, एक वैकेंसी नहीं आई है, बहुत सारी वैकेंसी आई है। आप लाइन से देखेंगे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव। जब आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी डेजिग्नेशन क्या होती है किसी भी PSU में, वहाँ होती है आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव जो है इंजीनियर से नीचे होता है, इज इक्वलेंट टू जूनियर इंजीनियर। बट यहाँ आगे टेक्नोलॉजी लग रहा है तो मतलब टेक्निकल एग्जीक्यूटिव चाहिए जिसकी पोस्टिंग साइट पे रहेगी। अब साइट पे कौन कौन एलिजिबल होते हैं, जिस साइट पे होते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब होते हैं साइट के इंजीनियर जो साइट पे वर्क करते हैं। एज वेल एज यहाँ आप अप्लाई करते हैं तो रिप्लाई आने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि अडानी से पहले भी बहुत बंदों की हायरिंग हुई है, बस आपको प्रॉपरली अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है जिसमें आपका रिप्लाई आ जाए, एज वेल एज क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसकी हम आज टोटली बात करेंगे। तो दोस्तों सभी चीज़ों पर बिल्कुल अच्छी तरह बात करेंगे, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है तो इसलिए अप्लाई बहुत जल्दी कर दिया कीजिए। एज वेल एज आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ऑल अपडेट आपको मिलती रहती है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे कोई भी जिसका भी सिलेक्शन होता है, देखिए अभी क्या है कि सबका LNT से रिप्लाई आ रहा है, जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला, भाई मेरा इतना सारा अप्लाई करने के बाद यस्टरडे मेल आ गया LNT इन्फोटेक से, थैंक यू सो मच। अब बहुत भाई को यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है कि इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, मैं एक पूरा शेड्यूल बना के उसका जब होने वाला है और क्या क्या एग्ज़ाम में फॉर्मेट या क्या क्या क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है वो मैं सबका बता दूंगा। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और वेबसाइट पे हर ही जगह मिल जाएगा। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है पेटीएम की तरफ से। ये कहाँ आई हुई है, ये आई है रिलेवल बाय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और ये पेटीएम बहुत सारी वैकेंसी हायर कर रहा है, बहुत सारी रिक्रूट कर रहा है, और इसमें जो उसने खाली एक ही अभी यहाँ डेमो दिया है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, बट यहाँ इंजीनियर्स, डिप्लोमा इंजीनियर सभी हायर कर रहा है पेटीएम। तो कंपनी के बारे में ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं जानता हो, मोर देन 1000 पीपल के मोर देन 10000 पीपल्स है, फंडिंग बहुत ज़्यादा है इसकी, $32 मिलियन की है। इसके साथ साथ जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में रहने वाला है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ आप यहां आके रिलेवल के, और ये कैसे देना, कैसे क्लियर करना होगा, इसी के लिए एक छोटा सा टेस्ट देना होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव का, और उस टेस्ट की मदद से आप बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। वो टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ जो कुछ कोर्सेज भी दिए हुए हैं ने, जिनकी मदद से आप रेलेवल का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और अनलिमिटेड जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है रेलेवल की तरफ से, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। की रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जाके इसको सबमिट कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक करके टेस्ट देके क्लियर हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जैसे अगर पर्टिकुलर देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपको नीचे जगह बहुत सारी वैकेंसी निकल जाएगी, लेकिन ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है। ये इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग मांगा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसको जो है छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे तो नौकरियों की कमी नहीं है। तो उसी के लिए एक और है दोस्तों शिफ्ट ऑफिसर। जो शिफ्ट ऑफिसर है इसे कंट्रोल रूम में रहना है। प्लस इसमें एलिजिबल कौन है, इसमें एलिजिबल है डिप्लोमा वाले। तो डिप्लोमा वाले जितने भी हैं वो शिफ्ट ऑफिसर में अप्लाई कर दे। September 10th इसकी जो है पोस्टिंग डेट है, मतलब ये कल ही आया है, ये सैटरडे को ही आया है, आज संडे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आज ही आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है आप देखेंगे जो जिनके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कहाँ रहने वाली है, गुड़गांव में। इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग दूसरी गुड़गांव में, इसके साथ साथ गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में। तो ये 5 वैकेंसी टोटल आई हुई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की। अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि देखिए मेरी खुद 10 मेल आईडी है, तो आप जो है अपनी 2 से 3 मेल आईडी तो एटलीस्ट एक्टिवेट रखिए, क्योंकि अगर एक से अप्लाई नहीं हो रहा है, एक से आपने पहले अप्लाई कर दिया है तो आप दूसरी से अप्लाई कर सकते हैं। इस बिहाफ पे आप जो है दो से तीन मेल आईडी जरूर रखिए, ये मेरा आपसे सजेशन है।
इसके साथ साथ बहुत सारी वैकेंसी यहाँ आपको और भी मिल जाएंगी जो एक्सपीरियंस वालों के लिए है। जैसे कि आप देखेंगे सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल मेंटेनेंस, और इसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 2 से 4 साल का। बट ये वाला जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है इसमें फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है। अब फ्रेशर में आप कोई भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ सभी एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ जैसा सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी निकली हुई है सीनियर इंजीनियर वालों के लिए, असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भी निकली हुई है। तो इसमें क्या है, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, जैसे कि आप देखेंगे पर्टिकुलर अगर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ही आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको जैसे ही इसका सबसे पहले आपको करना होगा, कोई भी चीज़ें होती जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले इसको साइन अप करना होगा और अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप साइन अप करने के बाद आएंगे, तो साइन अप करने के बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। सबसे पहले जो आप साइन अप करने के बाद आएंगे, सबसे पहले आपसे रिज्यूम अपलोड पूछा जाएगा कि आपने रिज्यूम अपलोड, आई वांट टू अपलोड योर रिज्यूम, आई डोंट वांट टू अपलोड योर रिज्यूम, दोनों ऑप्शन है। अगर जिन्होंने ये किया आई डोंट वांट टू अपलोड अ रिज्यूम, तो आप भूल जाइए कि आपका रिप्लाई आएगा। आपको ऑलवेज रिज्यूम अपलोड करना है। इसके साथ साथ रिज्यूम अपलोड करने के बाद आपको, जिसके पास रिज्यूम नहीं है उसे जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पिन कर रखा है मैंने अपना रिज्यूम, एक रिज्यूम फॉर्मेट, तो वहां से जाके आप कॉपी कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए फायदा है। ऐसी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले क्राइटेरिया में जाएंगे, तो सेव एज ड्राफ्ट में जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले क्राइटेरिया में जाएंगे, तो यहाँ आपको जो भी पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाएगी। लाइक आप कहाँ से इस चैनल पे कहाँ से आए, मतलब इनके अडानी को कैसे जानते हैं और किस तरीके से आप आए, तो ये सारी ही चीज़ें मानी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों ये देखिए, आप देखेंगे कि मॉनिस्टर जो है जॉब बोर्ड मॉनिस्टर, तो मॉनिस्टर पे अप्लाई, मॉनिस्टर के थ्रू अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा है, मॉनिस्टर का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर साइन अप करके और भी बहुत सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं जो कि लाइव है। तो दोस्तों एक चीज है जो इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, वो है एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या लिखिएगा, 0.0 याद रखिएगा, यहां टोटल वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, तो 0.0 ही आपको मेंशन करना है। क्या करना है, 0.0, तो ये यहां 0.0 मेंशन करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आपका एजुकेशन मांगा जाएगा, आपने कहां से किया है, पोस्ट ग्रेजुएट कहां से किया है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने तो सेव कर रखी है, तो इसीलिए आ रही है। नेक्स्ट जब एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन मांगे, तो आपको फ्रेशर डाल देना है, एम्प्लॉयर लोकेशन छोड़ देना है, स्टार्ट डेट कोई भी 1 महीने पहले की डाल दीजिएगा और एंड डेट आज की डाल दीजिएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन्होंने स्टार मार्क डाल रखा है, तो 10 दिन पहले की भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एनुअल सैलरी वगैरह पैकेज वगैरह पूछा जाएगा, तो पैकेज वगैरह बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो आगे सर्टिफिकेशन में, ये जो है ये सर्टिफिकेशन क्या है कि लाइक आपके पास ऑटो कैड का कोई सर्टिफिकेट है, आपको एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट, आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी समटाइम्स काम में आ जाता है। नेक्स्ट जो है आपका फाइल अटैचमेंट। अब फाइल अटैचमेंट का क्या मतलब है, तो इनमें दो चीज़ मांगी है। जैसे आपने देखा होगा कवर लेटर रिज्यूम्स, तो रिज्यूम तो आपने स्टार्टिंग में अपलोड कर ही दिया है, अब ये आया कवर लेटर। ये कवर लेटर क्या बीमारी है दोस्तों, जब पहले क्या होता था कि हम कवर जो रिज्यूम फॉर्मेट होता था वो किसी के बाय हैंड जाके देते थे, आज के टाइम में हम जितने भी रिज्यूम भेजते हैं वो कवर लेटर मतलब मेल पे भेजते हैं। तो मेल पे क्या होता है कि ऑब्वियसली जब आपके 2000 रिज्यूम जाएंगे और पढ़ने वाला एक है, तो वो कितने दिन में पढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बहुत बार नहीं भी पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं आपका जो कवर लेटर होता है उससे बारे में आपको जज कर लेते हैं और इंटरव्यू के लिए शेड्यूल कर देते हैं, आपको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं और उसके बाद इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जो है अपना कवर लेटर थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए। कवर लेटर का एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बना के डाल दिया है, कवर लेटर का पिन कर दिया है मैंने वहाँ जाके, या फिर मैं डायरेक्ट लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो कवर लेटर वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है ई सिग्नेचर आपको कर देने हैं, आप अपना नाम लिख के मेंशन कर देना है उस पर, तो वो ई सिग्नेचर फुल हो जाएंगे। इसके बाद रिव्यू एंड सबमिट, आपको रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, श्योरली आपका रिप्लाई आएगा और बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।